ये मोहम्मद गनी हैं, हमारे वली के नगर अध्यक्ष हैं। यह साड़ी भेंट कर रहे हैं मऊ की जनता की तरफ से। अब मैं चाहूंगा हमारे घोसी विधानसभा के कैंडिडेट जो कांग्रेस प्रत्याशी की प्रत्याशी हैं प्रियंका यादव जी, वो आवे और दो शब्दों में अपनी बात यहाँ पे कहे। प्रियंका यादव जी, यहां के प्रत्याशी। आज मोहम्मदाबाद की पावन धरती पर हमारे देश और प्रदेश के प्रभारी और हम लोगों के मसीहा, सर समाज के मसीहा माननीय प्रियंका गांधी जी, मैं अपनी तरफ से अपने 355 मोहम्मदाबाद की तरफ से और सर समाज की तरफ से मैं नई पर स्वागत वंदन करता हूं। साथियों, मुझे समय कम मिला है, मैं तो आपके बीच 30 साल से चलता रहा, आपके जन्मे और मरने और शादी भी मैं आपसे मिलता रहा। मेरे साथियों, समय कम मिला है, मेरे विषय भली भांति आप लोग जानते हैं कि मेरा राजनीति के पीछे मेरा घर द्वार बिका, मेरा बेटा नौकरी करता था। जब मैं 2002 में 200 से चुनाव हारा तो मेरा नौजवान बेटा नौकरी करता था, दुनिया से चला गया। 2012 में मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा और जब कांग्रेस से चुनाव लड़ने के बाद और 2012 में जब मेरा बेटा मरा तो मेरी पत्नी पागल हो गई, 9 साल पागल रही और उसको मैं झेलता रहा। जब 2012 में चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा था तो मेरी पत्नी भी मेरा साथ और चली गई। मेरा मकान सभी लोग जानते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी जानते हैं कि आज मेरा मकान होता वो मुआनापुर चौराहे रहेगा तो 20 करोड़ बिका होता, 20 करोड़ बिका होता। लेकिन साथियों, कुल मुसीबत झेलने के बाद भी मैं आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ा, आप लोग शाम करना ही छोड़ा, आप लोग दूर मुसीबत में भी आपको साथ देना देता रहा। तो साथियों, मेरी अंतिम अपील है दोस्तों, मेरी अंतिम सिफारिश है दोस्तों, आप लोगों से सिफारिश गुजारिश कर रहा है दोस्तों, अंतिम मेरा चुना है दोस्तों, यह कफर देख के आपसे भीख मांग रहा हूँ दोस्तों, इस बार मुझे जो है वोट दे दीजिए या कफन दे दीजिए दोस्तों, यही मेरी अपील है। और मैं जरा समय नहीं लूंगा, मैं सर समाज को भरोसा करता हूँ, इस बार मुझे आप लोग 4 बार चुनाव हारने के बाद 5वां बार चुनाव मुझे आप बिताने जा रहे हैं, मैं अजोर भारी रहूंगा और मेरे मुझे विधायक बनाएंगे। जब मैं विधायक बनूंगा तो जो अधिकार पावर मुझे मिलेगा, रात हो चाहे दिन हो, मेरे यहाँ कोई बाड़ीगार नहीं रहेगा,
अपने यहाँ कोई सुरक्षा नहीं रहेगी, मैं आपके बीच आपकी सेवा में जो अधिकार पावर मिलेगा, मैं हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, मैं सभी लोगों का सम्मान करूंगा और सभी लोगों का मुंह से कर्म मिला के चलने का काम करूंगा। साथियों यही से मैं फिर कह देना चाहता हूँ, कोई सहारा नहीं, अब सहारा बन जाइए, सहारा बन जाइए, मुझे वोट दे करके मुझे विधान बना दीजिए, और ना अगर नहीं बनाते हैं तो मैं मोहम्मदाबाद की कथा कसम खा कर कहता हूँ, इसी मोहल्ला धरती पर कफन खा करके अब दुनिया में हल ढला होगा, मैं जल के मरूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे डायरेक्ट किसी बिना किसी लाग लपेट के, मैं यहाँ पर एक मिनट में कहना चाहूंगा, यहाँ हमारे पूर्व सांसद के पौत्र भी धनंजय सिंह उपस्थित हैं, राजकुमार जी उपस्थित हैं, यहाँ पर पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान जी उपस्थित हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय सिंह, वीरेंद्र कुशवाहा जी उपस्थित हैं, हमारे उपाध्यक्षगण उपस्थित हैं, समय नहीं है, और एक मिनट में मैं चाहूंगा कि हम अपने आदरणीय दीदी जिनके लिए हम लोग सुबह 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं, मैं बिना किसी लाग लपेट को उनको बुलाना चाहूंगा कि आदरणीय दीदी श्रीमती प्रियंका गांधी जी आए और अपना संबोधन करें। एक बार हाथ उठा के जोर से नारा लगाइए, सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। बनवारी राम जी, प्रियंका यादव जी जो हमारे दो प्रत्याशी हैं, कल्पना राय जी की धर्म पत्नी, सुधा राय जी, वैष्णवी राय जी, इंतखा बालम जी, जनक कुशवाहा जी, बालकृष्ण चौहान जी, सुनील जी, धर्मेंद्र कुमार जी, राजकुमार राय जी, संजय यादव जी, राजू फरूखी जी, संजय सिंह जी और वीरेंद्र कुशवाहा जी, आप सबका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, नेतागण, जितने भी महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के मेरे साथी यहाँ उपस्थित हैं, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। और बहनों और भाइयों, इतनी गर्मी में आप इंतजार कर रहे हैं काफी समय से, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको भी यहाँ पर बहुत स्वागत देती हूँ। देखिए, चुनाव का समय है, आपसे चुनाव के संदर्भ में कुछ बातें करने आई हूँ, देश प्रदेश के हालात के बारे में, आपकी जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ नौजवान कितने हैं, हाथ उठाओ। रोजगार मिला है पिछले 5 सालों में? एक तो होगा, एक होगा, नहीं है। किसान कितने हैं? सब किसान है। कमा पा रहे हो आजकल? बुनकर कितने हैं? आपकी कमाई कैसी? अच्छी है? पहले से अच्छी हुई है? बहने कितनी है मेरी यहाँ? महंगाई का सामना कौन करता है? आप ही करते हो। आजकल सरसों का तेल कितने का मिल रहा है? दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी कितनी? 250। और सरसों का तेल? और किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? छुट्टे जानवर, छुट्टे जानवर की समस्या है। गेहूं धान की कीमत मिल रही है? नहीं मिल रही है। बिजली बिल भरे जा रहे हो? बड़ी बड़ी बिल आती है, आती है। तो ये है आपकी समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी, बुनकरों की तमाम समस्याएं, जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आती है, जो उनका स्पेशल पैकेज खत्म किया गया, किसानों की समस्याएं,
उपज का दाम नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, कमाई नहीं होती, छुट्टा जानवर खेत चला जा रहा है, महिलाएं महंगाई का सामना कर रही है, इनके लिए कोई रोजगार की बात ही नहीं करता, इनको सशक्त करने की बात नहीं करता कोई, नौजवान बेरोजगार खड़ा हुआ है। ये है आपकी समस्याएं। अब ये समस्याएं कम से कम पिछले 5 सालों से तो है ही है कि नहीं? नेता क्या बात कर रहे हैं? जो राजनीतिक दल के नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, चाहे वो भाजपा के हो, वो क्या बातें करते हैं यहाँ आकर आपसे? वो कहते हैं बुलडोजर की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, और क्या बात करते हैं? कोई कहता है कि हम चर्बी निकाल देंगे, कोई कहता है कि हम चर्बी निकाल देंगे, है ना? कोई आपकी भर्ती की बात कर रहा है? कोई आपकी खेती की बात कर रहा है? कोई आपको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है? नहीं कर रहा ना। आदत जो आपने बिगाड़ रखी है वो दोषी थोड़ी है, दोषी तो आप है, दोषी तो आप है, सबको मालूम पड़ गया है। चुनाव के समय आएंगे, धर्म की बातें करेंगे अच्छी अच्छी, कभी इस धर्म की कभी उस धर्म की, समाजवादी के नेताओं को मालूम है धर्म की बात करेंगे, आप कूद के आप उनको वोट दे दोगे, मालूम है ना? भाजपा के नेताओं को मालूम है धर्म की बात करेंगे, जज्बातों को उभारेंगे, उनको वोट मिलेगा, सत्ता में आ जाएंगे। तो 5 सालों में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। समाजवादी दल के नेता तो अपने घर में दुबके रहे। आपकी समस्याएं आई, एनआरसी सीए आया, बुनकर की बड़ी बड़ी समस्याएं आई, किसानों की समस्याएं आई, क्या हुआ? आए आपके पास अखिलेश यादव जी, पधारे अपने घर से आपके घरों में, किसानों को कुचल डाला, किसानों को लखीमपुर खेरी में कुचल डाला, क्या किया उन्होंने? घर से ट्वीट कर दिया, घर से बाहर निकले ही नहीं। इतना बड़ा आंदोलन चला आपका एनआरसी सीए का, कहां थे? अरे कहां थे, कहां? एक जगह गए, मेरठ गए, बिजनौर गए, कहीं गए जहां पे हत्याएं हुई थी पुलिस द्वारा, जहां पे 19-20 साल के नौजवान लड़कों को ऐसे ही मार डाला गया, पहुंचे? चलो पहुंचे नहीं, आवाज उठाई, आवाज उठाई आपकी, नहीं उठाई। और भाजपा के नेता तो भाजपा के नेता, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां, सब एक ही बिसात पर खेल रहे हैं बहनों और भाइयों, सब एक ही बिसात पर खेल रहे हैं। इसको गहराई से समझो, क्योंकि जो आप तय करने जा रहे हैं उससे आपका भविष्य तय होगा। जो चुनाव है ये आपके भविष्य को तय करने का चुनाव है, और ये सब एक बिसात पर खेल रहे हैं। 5 सालों में समाजवादी दल के नेता, बहुजन समाज के नेता लड़े नहीं इनके खिलाफ, चुपचाप से बैठे रहे। और आपने इतिहास में एक ऐसा जंग बता दो मुझे, एक ऐसा जंग बता दो तो जो बगैर लड़े कोई जीत जाए, एक बता दो, कोई नहीं है, कोई ऐसा जंग ही नहीं है। जो लड़ा नहीं वो फिर से समझौता करेगा, मेरी शब्दों को ध्यान से सुनो, लड़ेगा नहीं। सरकार बन भी जाए तो सरकार झुकेगी इनके सामने, क्योंकि झुकते चले आ रहे हैं 5 सालों से। बहुजन समाज पार्टी की नेता तो निकल के अभी भी चुनाव में भी नहीं निकल रही है, किससे डर रही है? सीबीआई से डर रही है, चीन से डर रही है। चलिए आपको तो सब मालूम है, चीन के पीछे। तो जब सब मालूम है मेरे भाई, तो आंख बंद के वोट क्यों दे रहे हो इन लोगों को? भाजपा की नेताओं की इतनी हिम्मत हो गई है आज कि आपके सामने खड़े होते कहते हैं कि हमें आपकी समस्याओं के बारे में पता ही नहीं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमें तो
ही नहीं था कि छुट्टे जानवर की देश में प्रदेश में समस्या है। अब बताइए सर्वज्ञानी अंतर्यामी विश्व गुरु और उनको यही नहीं पता कि देश के सबसे बड़े प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या क्या है। पांच सालों से चुनाव आया अचानक पता चल गया, चुनाव आया तो मंच पर पता चल गया, घोषणा भी कर दी कि इसको हम सुझा देंगे, तो पांच सालों से कहां थे? अरे पांच सालों से कहां थे? कपड़ा बदल रहे थे, प्रचार भी नहीं कर रहे थे भैया, प्रचार तो चुनाव के समय शुरू किया है। कपड़ा बदल रहे थे, देखिए देखिए गन्ना किसानों का इस पूरे देश में बताया कितना है कोई बताए? 14,000। उत्तर प्रदेश के किसानों ने आंदोलन किया, दिल्ली के बॉर्डर पे एक साल के लिए खड़े रहे, अपने घर से निकलकर हालात पूछने के लिए नहीं आए। 6 किसानों को लखीमपुर खेरी में इन्हीं के मंत्री के बेटे ने कुचल डाला। क्या किया? मंत्री को अपने साथ पर मंच पर खड़ा किया, मंत्री को अपने साथ मंच पर खड़ा किया और मंत्री के बेटे को जमानत दिलवाकर रिहा करवा दिया। ये है आपकी सरकार और ये है आपके नेता जिनको आप भगवान बना रहे हैं। समझ लीजिए कोई नेता भगवान नहीं होता, सब नेता इंसान है, सब आपसे सत्ता ले रहे हैं उधार में, सबको आपने बनाया है, ये देश आपका है, उनका भी है लेकिन आपका है। सबसे पहले ये देश, इसकी सुरक्षा, ये जमीन, ये आपकी जमीन है, आपके पूर्वज लड़े हैं इस देश की आजादी के लिए, इस देश का किसान लड़ा है जो आज भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, जिसकी मेहनत की कमाई, जिसका खून पसीना ये बेचने के लिए इन्होंने योजना की है। जो कानून ये लोग ला रहे थे इससे क्या होता? किसान मेहनत करता, किसान का खून पसीना और कमाता इनका उद्योगपति दोस्त, इनके उद्योगपति दोस्तों को इन्होंने पूरी देश की संपत्ति बेच डाली। BHEL, रेलवे जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं बेचने जा रहे हैं, कुछ बचा नहीं है, सारी संपत्ति इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचने जा रहे हैं। फिर कहते हैं रोजगार देंगे, कहां से लाएंगे रोजगार? अरे कहां से लाएंगे रोजगार जब सारी संस्थाएं बेच डाली जो रोजगार बनाती थी, किसानों को खत्म कर डाला, खेती पे रोजगार नहीं बनेगी, बुनकर जैसे छोटे व्यापारियों को, छोटे दुकानदारों को खत्म कर दिया, वो रोजगार नहीं दे सकते। सरकारी पद आपने 5 सालों से खाली रखे हैं, 12,00,000 सरकारी पद खाली है, भर्ती की प्रक्रिया इन्होंने धूमिल जानबूझ के की है, भर्ती की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार जानबूझ के किया गया है क्योंकि रोजगार नहीं देना चाहते। इनकी साजिश है, ये जनता को गरीब रखना चाहते हैं, अपने दोस्तों को अमीर बनाना चाहते हैं। आज इनके उद्योगपति दोस्त 1,000 करोड़ रुपए एक दिन में कमा रहे हैं बहनों और भाइयों, एक दिन में, और किसानों आप 27 रुपए कमा रहे हो एक दिन में, एक दिन में 27 रुपए किसान कमाए और 1,000 करोड़ रुपए इनके उद्योगपति दोस्त कमाए। ये सरकार चुनी है आपने, ऐसे नेता चुन रहे हैं जो सरकार के सामने लेट जाते हैं, झुक जाते हैं। बदलाव लाइए, समझ जाइए कि शक्ति किसकी है, ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है। आप अपना हक मानते हो, आपको दबाया जाता है, आपका हक है। मोदी जी कहते हैं बहुत बड़ा एहसान कर लिया उन्होंने आपको, राशन के बोरे देके, खुद कहते हैं देश की जनता ने मेरा नमक खाया है। सुन लीजिए शेम किस लिए, क्योंकि नमक खाते हैं नेता आपकी, वो भी नमक में आपका नमक खाते हैं नेता, और एक एक नेता को इस बात का एहसास होना चाहिए। ये एक नई परंपरा शुरू कर लिया अपने प्रदेश में, दशकों से चल रही है, सारे नेता जानते हैं 5 साल बाद आके आपके जज्बातों को उठाएंगे, गुमराह कर देंगे, जनता तो भोली भाली है, वोट मिल जाएगा, नहीं आ पार तो फिर काम ही नहीं कर रहे हैं ना। अब आप देख रहे हो कि काम हो नहीं रहा है, आप देख रहे हो रोजगार मिल नहीं रहे हैं, आप कमा नहीं पा रहे हो, आपकी दुकानदारी खत्म हो रही है,
यहाँ की महिलाएं सशक्त नहीं असुरक्षित हैं, सब कुछ देख रहे हो। चुनाव आता है, इनकी बातों में फिर से गुमराह हो जाते हो, इनके जाल में फंस जाते हो और कोई समाजवादी को, कोई भाजपा को, कोई बसपा को अपना वोट देके फिर से अपने प्रदेश को खाई में डाल देते हो। शाबाश, बिल्कुल मत दो, देना नहीं है, बिल्कुल मत दो, अपना हक मान लो। ये रोजगार ये तुम्हारा हक है, महिलाओं का हक है, नौजवानों का हक है, आपको उपज का दाम मिलना चाहिए, ये आपका हक है। बुनकरों को स्पेशल पैकेज और रेट वेट मिलनी चाहिए बिजली की, आपका हक है। सरकार का कर्तव्य है कि आपको सशक्त बनाए, सरकार आपको निर्भर बना रही है, जानबूझकर आपको निर्भर बना रही है। वो चाहते हैं कि उस राशन के बोरे के लिए आप धन्यवाद दें उन्हें। आप कहें कि मोदी जी ने हमें राशन का बोरा दे दिया, बहुत एहसान कर दिया, चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप निर्भर रहोगे उनके राशन के बोरों पर और उनके चंद रुपयों पर जो वो हर महीने चुनाव के पहले थोड़ा तेजी से देते हैं और चुनाव के बाद देते भी नहीं, जब तक आप निर्भर रहोगे तब तक आपका इस्तेमाल करना आसान होगा। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। तब तक इन नौजवानों में जो यहाँ पे सब खड़े हैं, इनमें गुस्सा होगा, इनमें रंज होगा, इनके अंदर दुख होगा, निराशा होगी, तब तक इनका इस्तेमाल करना बहुत आसान होगा। बहनों और भाइयों, जितने भी माँ बाप है नौजवानों को जानते हैं, मेरे भी बच्चे हैं 20-25 साल के, मैं भी जानती हूँ, बच्चा अगर काम नहीं कर रहा है, अगर व्यस्त नहीं है, अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, आलसी है, काम घर पे बैठा हुआ है, तो उसको फुसलाना, उसको गुमराह करना, उसका गलत काम करना बहुत आसान हो जाता है। जब व्यस्त रहता है, कमाता है, पढ़ाई करता है, तो बहुत मुश्किल होता है उसको गुमराह करना। तब तो अपने माँ बाप से सवाल उठाता है, सरकार कहाँ, नेता कहाँ। सब नेता जान गए हैं कि इन लोगों को शिक्षित कर दो, इनको अपने पैरों पे खड़ा कर दो, इनको सशक्त कर दो, सक्षम बना दो, तो सवाल उठेंगे कि हम विकास क्यों नहीं कर रहे हैं। समझ गए आप? देखिए, जब समस्याएं आपकी घर आती हैं, जब आपके घर में महंगाई आती है, तो क्या दरवाजे खटखटा के पूछती है कि भाई तुम किस धर्म के हो, आऊं कि ना आऊं? जब बेरोजगारी आती है तो क्या पूछती है कि भाई तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? अच्छा अच्छा, चलो मैं दूसरे घर में चले जाता हूँ। बेरोजगारी पूछनी है? ये छुट्टा जानवर तो खेत चले जा रहा है, ये क्या पूछता है ये किसका खेत है? ओहो, इस जाति का खेत है, चलो मैं दूसरे खेत में चले जाऊं। पूछता है कि भाई किस धर्म, ये खेत किस धर्म का है भाई, किसका है ये खेत? अच्छा अच्छा, चलिए ये खेत छोड़े देते हैं, उस खेत में चलते हैं। चल लेता है ना तुम्हारे खेत, बेरोजगारी आ जाती है ना सबके घर, महंगाई आ जाती है ना सबके घर। ये तो नहीं है कि कोई कह रहा है कि एक घर में कम का आ रहा है गैस सिलेंडर, दूसरे में ज्यादा का आ रहा है। और विकास, जब सड़क बनती है तो उस पर लिखा होता है कि सिर्फ इस धर्म के लोग इस सड़क पे चलेंगे, नहीं लिखा ना? ये जो बिजली की तार है सब घरों में जा रही है, क्या ये रुक जाती है किसी धर्म के घर में, किसी के एक जाति के घर में रुक जाती कि भैया यहाँ तो बिजली नहीं दूंगी मैं? नहीं ना, सब जगह जाती है। तो समस्या है सारे धर्मों की, सारी जातियों की, उनका समाधान सारे जातियों के लिए, सारी धर्मों के लिए। तो भैया ये नेता बार बार धर्म की बात क्यों कर रहा है, ये नेता बार बार जाति की बात क्यों कर रहा है? ये विकास लाएगा तो सबके लिए लाना पड़ेगा, समस्याएं तो सबको हो रही है, ये तो अपने लिए कर रहा है ना, ये आपके लिए थोड़ी कर रहा है, ये तो अपने विकास की बात कर रहा है, ये तो अपनी सत्ता छीनने के लिए कर रहा है। इसको मालूम है, आपने इसकी बुरी आदत डाल दी। अब मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? मैं आपसे कहने आई हूँ ये आदत तोड़ दो, खत्म कर दो इस परंपरा को, कह दो इन सबको। नौजवानों, मैंने एक वीडियो देखा, जो बच्चे
धर्म की बात क्यों करते हैं? इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा। अरे मुझे सक्षम बनाओ, मुझे रोजगार दिलवाओ, मैं कमाकर मंदिर में चंदा दूंगा, मैं खुद दूंगा चंदा मंदिर में, लेकिन मुझे कमाने तो दो। इन बातों से मेरा पेट नहीं भर रहा है, खुद बोला उस नौजवान ने। तो समझ लीजिए आपके साथ क्या हो रहा है, बहुत बड़ा विश्वासघात हो रहा है। और ये मत सोचिए कि एक ही पार्टी कर रही है, तीनों की तीनों कर रही है, तीनों की तीनों कर रही है। कोई आपकी समस्याओं को हल करने की बात ही नहीं कर रहा। उन्होंने राजनीति किसी और चीज के बारे में बना दी है, जबकि राजनीति का मकसद है सेवा। नेता का धर्म यही होता है, और कोई इससे बड़ा धर्म नहीं है। आप किसी भी किताब को पढ़ लो, आप हिंदुओं से पूछो, मुसलमानों से पूछो, ईसाइयों से पूछो, भाग से पूछो, किसी भी पंडित से पूछो, किसी भी धर्म के धर्मात्मा से पूछो, किसी भी किताब को पढ़ लो, कुरान शरीफ को खोलिए, भगवत गीता को खोलिए, सब यही कहते हैं कि नेता का सबसे बड़ा धर्म सेवा है, यही है धर्म। जो भूल गए हैं इस धर्म को, जो भूल गए हैं इस धर्म को, उनको सिखाइए, उनको जवाब दे बनाइए, कह दीजिए हमें नहीं चाहिए ये राजनीति आपकी, रखिए आप घर पे अपनी राजनीति, हमें चाहिए विकास, हमें चाहिए रोजगार, हमें सशक्त होना है, हमें चाहिए सड़कें, पानी, बिजली, पाठशालाएं, ऐसी संस्थाएं, उद्योग जिससे हमें रोजगार मिले, हमारी भर्ती की प्रक्रिया को ठीक करो, ये बोलो। अब समझ लो कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। आपके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी ताकि आप आजाद हो, आज आजाद नहीं हो, गुलाम बना रखा है इन्होंने, जाल में फंसा रखा है। जब तक कमाओगे नहीं, जब तक आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आजाद नहीं हो, और ये जानबूझ के आपको गुलाम रखेंगे, समझ लो। अब कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है वो भी सुन लो। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि जो भर्ती की प्रक्रिया धूमिल हो गई है, इसमें भ्रष्टाचार बहुत हो गया है, इसको हम ठीक करेंगे, उम्र खत्म हो गई, हाँ बहुत लोगों की हो गई, इसके लिए भी समाधान है। हम एक स्पेशल कमीशन रखेंगे, ये जो 69,000 की भर्ती, 22,000 की भर्ती, जो जिनकी उम्र खराब हो गई है, उम्र चली गई है और इंतजार कर रहे हैं, जिनके करियर बर्बाद हो गए हैं, जिन पर सरकार ने केस थोप दिए क्योंकि उन्होंने अपना हक मांगा, तो सब की सुनवाई करेंगे इस कमीशन में। सुनवाई करके जो जो ठीक कर सकते करेंगे, जॉब कैलेंडर बनाएंगे जिसमें परीक्षा का दिन, नियुक्ति का दिन, रिजल्ट का दिन पहले से तय होगा। किसी ने इधर उधर फेर बदल करने की कोशिश की, किसी ने भ्रष्टाचार किया, तो कानून लाएंगे कि हम उन पे कार्रवाई करेंगे। जो 12 लाख सरकारी पद, 12 लाख सरकारी पद खाली रखने को इस सरकार ने आपको बोला 70 लाख नौकरी देंगे, 12 लाख तो पद खाली हैं, 4 लाख के एप्लीकेशन खोले हैं, 70 लाख नौकरी तो कहीं नहीं मिली किसी को भी। तो सबसे पहले कांग्रेस कह रही है कि वो 12 लाख पद भरे जाएंगे, फिर हम कह रहे हैं कि 8 लाख नए रोजगार पैदा करेंगे। कैसे? जो छोटे दुकानदार हैं, बुनकर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनको मजबूत बनाएंगे फिर से, ताकि यहाँ से रोजगार बने, जहां जहां हुनर है, जैसे अगर यहाँ पे बुनकर है, यहाँ हुनर है, पूरी सुविधा दी जाएगी, स्पेशल पैकेज आएगा बुनकरों के लिए जैसे पहले था, और फ्लैट रेट पे बिजली दी जाएगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी। अगर एक नौजवान अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहे, अपना व्यापार शुरू करना चाहे, उसे 5 लाख रुपए सरकार 1% ब्याज पे देगी, ताकि उस हुनर का इस्तेमाल हो और वो सशक्त बने। बहनों, आंगनबाड़ी आशा बहुओं के लिए 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा, उसके साथ साथ आपको सशक्त करने का काम हम करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। नारा सुना है हमारा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये क्या है? ये वो नारा है जिसके आधार पर आपको सशक्त करेंगे,
40% मतलब 8 लाख जो सरकारी रोजगार है वो महिलाओं को मिलेंगे। महिलाओं के लिए हर अस्पताल में, छोटे से छोटे अस्पताल में महिला डॉक्टर महिला नर्स मौजूद मिलेगी, वहां भी रोजगार हम दिलवाएंगे महिलाओं को। पुलिस में 25% महिलाओं की भर्ती कराएंगे ताकि आप पर अत्याचार हो तो आपको महिला पुलिस कर्मी मिले, और अगर आप पर अत्याचार हुआ और 10 दिन के अंदर अंदर FIR दर्ज नहीं हुआ तो एक कानून लाएंगे कि जिस अधिकारी ने उसको रोका है उसका सस्पेंशन होगा। आपके लिए केंद्रीय विद्यालय जैसे विद्यालय हर जिले में बनाए जाएंगे। छात्राओं को मोबाइल फोन और स्कूटी मुफ्त में मिलेगा ताकि ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए और उनको स्कूल और कॉलेज जाने की सुविधा हो। बहनों, आपके लिए, आपकी सुरक्षा, आपकी सेहत, सब के लिए पूरी योजना बनाई है हमने, एक विधान बनाया है शक्ति विधान, आपको मजबूत बनाने के लिए। 40% महिलाएं प्रियंका यादव की तरह आज कांग्रेस पार्टी की टिकट लेकर चुनाव लड़ रही है। ऐसी महिलाएं हैं जिनकी बेटियों का बलात्कार करके उनको मार डाला और दफना दिया हो। ऐसी महिलाएं हैं जिनको मारा गया, पीटा गया क्योंकि वो अपने हक मांग रही थी। ऐसी महिलाएं हैं जो पंचायत का चुनाव लड़ने गई और उनके कपड़े फाड़ डाले पब्लिक में, लेकिन आज कांग्रेस ने उन्हें सशक्त करके चुनाव लड़ने को बोला और चुनाव लड़ रही है। मंच पर मेरे साथ वो खड़ी रहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वो मंत्री खड़ा रहता है जिसके बेटे ने किसानों को कुचला, मेरे साथ मंच पर वो महिलाएं खड़ी रहती है जिन पर अत्याचार हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनको कहा है कि आप पर सत्ता की वजह से, सत्ता ने आप पर अत्याचार किया, उस सत्ता को अपने हाथों में लो, खड़ी हो जाओ और लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महिलाओं, बहनों, आप एकजुट होकर एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति बन सकती है, इस देश की दिशा बदल सकती है, समझ लीजिए इस शक्ति को। किसानों के लिए पूरे कर्ज माफ होंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने छुट्टे जानवर की समस्या का समाधान ढूंढा। छुट्टे जानवर को घर पे रखने से सरकार 2 रुपए किलो में गोबर खरीद रही है आपसे, उससे लोग छुट्टे जानवर को घर में रख रहे हैं क्योंकि कमा रहे हैं। गोबर का गोबर गैस बन रहा है और गोबर का खाद अच्छा अच्छा बनकर किसानों को दिया जा रहा है ताकि किसानों की सुविधा हो। इससे छुट्टे जानवर की समस्या ही खत्म हो गई है छत्तीसगढ़ में। और यहाँ आपकी सरकार जो कह रही है कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि समस्या है, आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं हर मंच से 3 सालों के लिए कि यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, इसे सुलझाओ, छत्तीसगढ़ में हमने इसका समाधान ढूंढा है, यही कर डालो। कोई जवाब नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी। हम इस समस्या को का समाधान निकालेंगे और वही योजना यहाँ लागू करेंगे। इसके साथ साथ आज के दिन में छत्तीसगढ़ में गेहूं और धान का 2500 रुपए क्विंटल मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। गन्ने के लिए 400 रुपए मिलेंगे। जो ये बड़ी बड़ी बिजली की बिलें आ रही है इनको हम आधा करेंगे सबके लिए। किसानों के कर्ज माफ होंगे, सबकी बिजली की बिल आधी होगी। और कोरोना के समय जो छोटे व्यापारी, जो लोग सबसे ज्यादा परेशानियों से का सामना जिन्होंने किया, उनके लिए हम जो कोरोना का बिजली का बकाया है वो साफ करेंगे। छुट्टे जानवर से जिसको नुकसान हुआ 3000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मिलेगा। 25000 रुपए उन गरीब परिवारों को मिलेंगे जिन्होंने कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी झेली। ये सब योजनाएं हैं हमारी। इसके अलावा और भी योजनाएं हैं, भर्ती का विधान बनाया है, अभी उसको पढ़ो नौजवानों। अब वो दौर चले गया कि नेता आके खोखले भाषण दे, खोखली घोषणाएं करे। पढ़ो उस विधान को, देखो उसमें क्या कह रहे हैं, कहां से आएंगी तुम्हारी नौकरियां। शक्ति विधान को पढ़ो महिलाओं, ताकि आप भी जाने कि आपके लिए क्या करने की योजना है। उन्नति विधान को बाकी सब पढ़ो कि हम बुनकरों के लिए, हम दूसरे समाजों के लिए, हम अति पिछड़े लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, हम दलितों के लिए क्या करना चाहते हैं।
आपको कैसे सशक्त बनाएंगे, क्योंकि ये देश आपका है, बार बार कह रही हूं, देश को बचाने का काम आपका है। सही नेता चुनो, नियत देखो नेता की, सही राजनीतिक दल को अपना वोट दो ताकि आपके देश प्रदेश में विकास आए। और घबराओ मत, इनकी तानाशाही से घबराओ मत, इनके बुलडोजरों से, इनकी बड़ी बड़ी बातों से मत घबराओ। कंधा से कंधा लगाकर आपके साथ लड़ने वाले ये सब बैठे हुए खड़े हुए, आप इनके सामने कभी नहीं झुकेंगे, इनके साथ भाजपा के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, कभी नहीं झुकेंगे। पुश्तों से हमारी लड़ाई इनके इनसे है, हमारी विचारधारा अलग है इनसे। हम देश, पूरे देश का विकास चाहते हैं। हम जानते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता पब्लिक की होती है, हमारी और इनकी विचारधारा विपरीत है। हम इनके सामने कभी झुक नहीं सकते और कभी झुकेंगे नहीं, जान चले जाए हम कभी इनके साथ समझौता। ये इसीलिए इनकी सबसे बड़ी लड़ाई हमसे है, क्योंकि ये जानते हैं सबको झुका सकते हैं, एजेंसियां लगाएंगे, केस लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, सब झुक जाएंगे। कांग्रेस पार्टी नहीं झुकेगी और मेरा परिवार तो कभी नहीं झुकेगा इनके साथ, कुछ भी कर जाए। मन बना लो, इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाओ, देख लेना कांग्रेस की सरकार आएगी तो विकास कितनी तेजी से हो, आप आगे बढ़ोगे, आपके हित में सरकार आएगी। यही बातें करने के लिए मैं यहाँ आई थी, आपने बहुत ध्यान से सुना, अपने मन में रखो ये बातें, याद करो इनको जब वोट देने जाओगे, क्योंकि अगर आपने गलत निर्णय किया तो फिर से आपका प्रदेश उसी खाई में रहेगा, 5 साल और भुगतो की कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी। सिर्फ चुनाव के समय बड़ी बड़ी घोषणाएं सुनोगे, बड़ी बड़ी धर्म की जाति की बातें करेंगे ये नेता, और फिर से खुद आगे बढ़ेंगे, आपको पीछे छोड़ देंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। प्रियंका गांधी राजू, और हाथ उठा के दीदी को समर्थन करिए।